ने सामने आके अब ये बात कह दी है कि बिग बॉस सीजन ओटीटी सीजन टू का हिस्सा जो है वो नहीं बन रही है। चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सूरज पंचोली जो है काफी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे हुए थे और इनकी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड भी किया था, उसका केस जो है इनके ऊपर चल रहा था। अभी कुछ टाइम पहले ये कोर्ट गए थे, हेयरिंग पे गए थे और वहां पर जो है इनको कोर्ट ने जो है राहत दे दी और उसके बाद सूरज पंचोली ने यही बात कही है कि भाई जो भी चीज सच होती है वो ही होती है और सच ही सामने आता है और मैं सच्चा था और वही सब चीजें सामने आई और मुझे जो है राहत मिली है। उसके बाद जो है बताया गया था कि सूरज पंचोली को खुद सलमान खान ने पर्सनली जो है ये बात बोली थी कि वो बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में आए और ऐसी खबरें जो है सामने आ रही थी कि ये भी आ रही हैं, पर ऐसी पोस्ट काफी सारे लोगों ने डाली हैं और वहीं पर एक बड़े खबरी ने भी ये पोस्ट डाली थी कि सूरज पंचोली जो है बिग बॉस ओटीटी सीजन टू का हिस्सा बनने वाले हैं। जिसके बाद जो है इनकी कॉन्ट्रोवर्सीज को जानने के बाद, इनकी रियल पर्सनैलिटी को देखने के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, पर अब जो है उस फेमस खबरी को उन्होंने खुद पर्सनल मैसेज किया, मैसेज करने के बाद चैट किया और ये भी बात कंफर्मेशन दी कि वो बिग बॉस ओटीटी सीजन टू का हिस्सा नहीं बन रहे हैं और ये सब पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी जाए। तो इससे कंफर्म हो चुका है कि सूरज पंचोली जो है नहीं आने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन टू में। हालांकि लोग इनको देखना चाहते थे, इनकी रियल पर्सनैलिटी देखना चाहते थे, पर शायद ये अपनी अभी रियल पर्सनैलिटी दिखाना नहीं चाहते। एक जेल से अभी रिहा हुए हैं तो शायद दूसरी जेल में जाना नहीं चाहते। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।